गाइस वेलकम टू बैक माई चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी मेरा, जैसे आप लोग को पता है मैं भी इनफर्टिलिटी फेस कर रही हूँ और साथ ही को मेरा हो गया है लगभग पाँच से छः साल हो गया है। अभी भी कंसीव नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है बट होकर मिसकैरेज हो रहा है। तो मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मिसकैरेज होने का वजह क्या है। मेरा बहुत सारा टेस्ट हो रहा है फिर भी पता नहीं चल पा रहा है क्यों ये हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है मेरा बार बार, 3 बार हो चुका है। तो मेरा मिसकैरेज के बाद क्या क्या टेस्ट होता है आज मैं ये बताऊँगी। जैसे फ्रेंड पता है मिसकैरेज होने का, अगर एक मिसकैरेज होता है तो इतना कुछ नहीं होता है, नॉर्मली एक हो ही जाता है, दो होता है तो फिर भी ठीक है, अगर 3 हो रहा है उसके बाद से बहुत सारा टेस्ट किया जाता है। अगर आपका मतलब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली कंसीव होकर फर्स्ट मिसकैरेज हो गया तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। अगर आपका इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, उसके बाद कंसीव होकर मिसकैरेज हो रहा है तो उस केस में बहुत सारा टेस्ट किया जाता है। मिसकैरेज होने का बहुत कारण होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है मिसकैरेज में अगर एग्स का क्वालिटी ठीक नहीं रहता है, स्पर्म का क्वालिटी ठीक नहीं रहता है, अगर वो फर्टिलाइज होते हैं तो उसको प्रकृति आगे बढ़ने नहीं देता है क्योंकि वो परफेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनता है, जिसके वजह से वो खुद ही मिसकैरेज हो जाता है। तो फिर अगर मिसकैरेज हो रहा है तो उसके लिए एमएच टेस्ट करते हैं, उसमें आपका एग्स का क्वालिटी क्या रहा है जिसके वजह से तो मिसकैरेज नहीं हो रहा है, ये टेस्ट किया जाता है। और एक कैरियोटाइप टेस्ट किया जाता है, जेनेटिक इशू तो नहीं है हस्बैंड वाइफ दोनों का कैरियोटाइप टेस्ट किया जाता है, और फीमेल पार्टनर का टॉर्च टेस्ट किया जाता है। ये बहुत सारा इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से कंसीव होता है फिर मिसकैरेज हो जाता है, वो भी एक टेस्ट किया जाता है। उसके टॉर्च के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा डिटेल्स बता दूंगी। टॉर्च टेस्ट क्या होता है, ये एक टेस्ट किया जाता है। और एक होता है जैसे कि यूट्रस को देख लेते हैं, अगर आपका HSC नहीं हुआ है, अगर आपका लैपोस्कोपी हुआ है तो उसमें पता चल जाता है आपका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं।